चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें कंडक्टर, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। वो क्या होता है? जीरो होता है। तो सेंटर, सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। देख लीजिए, कंडक्टर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और फिर सरफेस पे, सरफेस पे जो है वो वैल्यू कंटिन्यूस नहीं होता है, ये वैल्यू जो है कुछ डिफरेंट आएगा। ये हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं चार्ज कंडक्टर का ड्रॉ कर रहे हैं, और चार्ज कंडक्टर का ड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आएगा इलेक्ट्रिसिटी जो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखेंगे वो क्या होगा? जीरो। ये जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस लिख सकते हैं, सरफेस पे कितना होगा? तो लिखेंगे क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस पे निकल गया। और ये जो निकल रहा है ये आउटसाइड पॉइंट के लिए निकल रहा है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्यू बाय है ना फोर पाई एप्सिलॉन इनटू कैपिटल के स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस जगह पे सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस पे अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, अंदर में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चार्ज जब भी हम कंडक्टर में कहीं भी इंजेक्ट करेंगे चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, और वो जाएगा मिनिमम रिपल्शन के लिए, और मिनिमम रिपल्शन मतलब मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने के लिए चार्ज पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे जाता है, ठीक है। इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो है, पूरा का पूरा सरफेस चार्ज पे रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कुछ इतना है क्यू बाई के फोर बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अंदर में भी कॉन्स्टेंट, यहाँ भी कॉन्स्टेंट, अंदर में जीरो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पे अंदर में भी कॉन्स्टेंट है, अंदर में कॉन्स्टेंट मतलब जीरो, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, बाहर वेरी कर रहा है। आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमने ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करके रखा हुआ है। ये कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर का हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इंसुलेटर का कुछ ग्राफ यहाँ पे आएगा जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनसाइड पॉइंट के लिए आपने पढ़ा है कि इनसाइड पॉइंट के लिए क्या लिखा है, क्या आया था? कैपिटल क्यू स्मॉल आर फोर पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यू है ना। तो इनसाइड पॉइंट में आप देख रहे हैं चार्ज अगर कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर सरफेस पे कितना आएगा? तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आता है? तो सरफेस के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डाल देते हैं। ये सरफेस, ये सरफेस के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्यू बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर क्यू है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। चार्ज अगर कॉन्स्टेंट है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये एक इंसुलेटर है जिसमें पूरा चार्ज इसके अंदर में समाया हुआ है, चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन एन इंसुलेटर, फॉर एन इंसुलेटर केस, इंसुलेटर केस में क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओगे, वीडियो पॉज करके बेसिक चीजें हैं आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को बताओ, ठीक है। काफी आसान है ये, है ना, काफी आसान। कैसे है वो समझिए। चार्ज, वही गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन थ्योरम के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन। तो भाई चार्ज इनसाइड कितना है, तो इस कंडक्टर में हमने टोटल चार्ज कितना, सॉरी इंसुलेटर में कितना टोटल चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर जा रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनटू क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, और दोनों का दोनों डायरेक्शन सेम है, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से निकालेंगे,
तो आया कितना आंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, कितना वैल्यू आ रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन के आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा फॉर द आउटसाइड पॉइंट, इंसुलेटर के आउटसाइड पॉइंट के लिए कुछ इस तरह का आएगा और ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर द आउटसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। आप इस चीज को देख लो, समझ लो, जान लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में आप एग्जांपल भी समझ सकते हो कि मान लो कि मैंने एक कंडक्टर दे रखा है, ये मान लो कंडक्टर दे रखा है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चार्ज हमने दे रखे हैं इस कंडक्टर के ऊपर और जिसका वैल्यू है 5 कूलम, ठीक है, इसका वैल्यू है 5 कूलम और इसका रेडियस, रेडियस है 1 मीटर, कितना है भाई 1 मीटर इसका रेडियस है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये कंडक्टर है, एक्चुअली ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कंडक्टर के लिए एट द डिस्टेंस 0.5 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5 मीटर चाहिए, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर चाहिए, है ना, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 मीटर चाहिए वो कितना होगा, ये बताइए, तीनों केसेस हमको चाहिए, तीनों का आंसर चाहिए। तो 0.5 मीटर हमने कहा, मतलब इंटरनल पॉइंट के लिए कहा, इंटरनल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, ये जीरो वैल्यू आएगा। 1 मीटर पे क्या होगा, सरफेस की वैल्यू, हम लोग सरफेस वाला यूज करेंगे, सरफेस वाला जो फॉर्मूला होगा वो उसका इस्तेमाल करोगे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना काफी आसान है, तो इसमें आप दो दो चीज निकालोगे, पहला चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे और दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, क्योंकि हमने चार्ज दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर में जीरो, सरफेस पे कितना, तो सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चार्ज बाय क्यू टाइम एप्सिलॉन, है ना, और बाहर के लिए कितना होगा, तो वो उसके लिए भी उतना ही होगा, इनसाइड के लिए कितना होगा, तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए मैंने आपको बता दिया जीरो है, 1 मीटर पे कितना होगा, तो 1 मीटर मतलब सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे टोटल चार्ज कितना स्टोर किया गया है, 5 कूलम चार्ज स्टोर किया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 5 कूलम, इस तरह का वैल्यू आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन पर कूलम वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये मैंने कंडक्टर के लिए बताया, अब अगर इंसुलेटर की बात करें तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको आपने बता, मैंने आपको बता दिया, अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है, अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी आपको फाइंड करना है, इट इज फॉर योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हुए हैं, ये एक इंसुलेटर है, इसके अंदर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो चलिए अगर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है तो अच्छी बात है, तो आपको फाइंड क्या करना है, इनसाइड पॉइंट्स, इसका रेडियस, इसमें देखो मैंने टोटल चार्ज जो प्लेस कर रखे हैं वो 2 कूलम प्लेस कर रखा है, इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है, है ना, ये इंसुलेटर है, इट इज एन इंसुलेटर, ये क्या है, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है जी, ये एक इंसुलेटर है, इसका कैपिटल आर रेडियस जो है वो 2 मीटर है। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5 मीटर पे कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 मीटर पे कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, है ना, इस पे भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क है, आपको जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ सीख सकते हो, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 है, 1/4 की वैल्यू 9 N/9 है, चार्ज की वैल्यू जितना है उतना पुट करते जाओगे, काम बनते चला जाएगा। 2 कूलम, एक बार हमने 3 कूलम दे रखा है, फिर बाद में क्वेश्चन क्या है सेम, तो उस कहानी में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, 1 मीटर पे, 0.5 मीटर पे, 2 मीटर पे, 5, 6, 7 पे, आपको हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इतने सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आसानी से आप उस चीज को समझ सकें। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, गॉसियन थ्योरम का यूज करेंगे, गॉसियन लॉ का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यहाँ पे एक थीन रॉड रखा हुआ है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा के नाम से जानते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। मान लो इसका टोटल लेंथ कैपिटल एल है, बहुत ज्यादा लेंथ हो, है ना, इसका टोटल लेंथ अगर हम मान लेते हैं ये कैपिटल एल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिनियरली लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय कैपिटल एल, है ना। तो स्मॉल स्मॉल एल लेंथ जो हमने सिलेंडर का ले रखा है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे क्यू इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू स्मॉल एल, कैपिटल एल का टोटल चार्ज, कैपिटल एल का लेंथ इतना चार्ज, तो स्मॉल एल में कितना चार्ज कंटेन होगा, तो लैम्डा इनटू स्मॉल एल, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करके रखा हुआ है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर हमने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर रखा है जिसका रेडियस स्मॉल आर है ना, और इसी आर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसी आर पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप ये समझो कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो ये रॉड है पतला सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चारों बगल अगर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, और निगेटिव चार्ज है तो अंदर में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन है और निगेटिव चार्ज के लिए इनसाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो इनसाइड कितना चार्ज होगा, तो हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर रखा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय के टाइम एप्सिलॉन, ये हमने क्लोज सरफेस रखा है और क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया हमने रखा हुआ है डीएस, इंटीग्रेट करें तो पूरा सरफेस एरिया ये आ रहा है जितना गॉसियन स्फीयर जो है इंक्लोज किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एस। गॉसियन सरफेस कितना सरफेस एरिया इंक्लोज किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एस, टोटल इंटीग्रेट करेंगे 2πRL, ये 2πR इसका क्या है पेरीमीटर है, और लेंथ लेंथ एल निकाल देंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। हमने जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसके कर्व सरफेस एरिया के अलोंग ही जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा, यहां पे लिखेंगे क्या आएगा क्यू इनसाइड बाय के टाइम एप्सिलॉन, और क्यू इनसाइड कितना निकाला था हमने लैम्डा इनटू एल, तो स्मॉल एल से स्मॉल एल कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई स्मॉल आर एप्सिलॉन इनटू के, ये वैल्यू आ रहा है। इसमें आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, अगर स्मॉल आर कम वैल्यू आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना स्मॉल आर ज्यादा हो रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है कमजोर होता जा रहा है, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो यहाँ 4πε0 आ जाएगा, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ है, 2 लिखा हुआ है, 2×λ/k×r, ये इस तरह का फॉर्मूला आपको क्विक कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। और ये हमने बताया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर तब होगा जब लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। एक स्मॉल आर डिस्टेंस यहाँ पर भी है, ये आर यहाँ पर भी है, इतना ही डिस्टेंस स्मॉल आर, तो चारों बगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, आर सेपरेशन पे चारों बगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इतना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है। चलिए जनरल फॉर्मूला है तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो लैम्डा इज इक्वल टू 4 कूलम्ब पर मीटर है, लैम्डा इज इक्वल टू 4 कूलम्ब पर मीटर है, और हमें फाइंड करना है
इलेक्ट्रिक फील्ड एच 1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एच 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एच 3 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एच 4 मीटर फाइंड करना है। इस तरह का वैल्यू हमें फाइंड करना है, लैम्डा दिया हुआ है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सॉल्यूशन देखोगे है ना, काफी इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × लैम्डा। लैम्डा कितना है भाई, तो लैम्डा लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय क्या, डायरेक्टिव कांस्टेंट 1 है और सेपरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 × 72 है ना, 72 7.2 × 10⁻¹० है ना, ये न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सिमिलरली आप 2 मीटर पे फाइंड करोगे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, इस तरह से आप लोग वैल्यू फाइंड करते चले जाओगे और आपके प्रैक्टिस के लिए काफी आसानी से, आपके प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप क्वेश्चन एक और ले लो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दिया हुआ है ना, कुछ दिया हुआ मतलब आपको दिया हो 9.9 है ना, ये 9 दिया हुआ है इंटू 10⁻¹० है ना, न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है ना, और सेपरेशन जो है सेपरेशन R इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है ना, R इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब सेपरेशन 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, काफी आसान से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये हमने जो चार्ज का शीट रखा हुआ है ये क्या है, थिन है, ये क्या है, थिन है, प्लेन भी है और इनफाइनाइट भी है, बड़ा है ना, तो पतला होने की वजह से, थिन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पतला है ना, एक पर्दे के हिसाब से है ना, पर्दे के हिसाब से है, बहुत पतला है, तो जितना चार्ज इधर है, जितना चार्ज आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट उधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगा उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। तो हमने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है ये क्या है भाई, तो ये है गॉसियन सिलेंडर जो कि इमेजिनरी है। ये क्या है, ये इमेजिनरी है, ये गॉसियन सिलेंडर इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा भाई, सी बात है, और अपोजिट डायरेक्शन इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप एज्यूम करके चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और नॉर्मली इस थिन प्लेन, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज के आसपास में फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पहले इसका ये समझेंगे कि इसका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्लेन शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस एरिया के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू सिग्मा, दैट इज इक्वल टोटल चार्ज और टोटल सरफेस एरिया, टोटल चार्ज और टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू सिग्मा है ना। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इतने ही सेपरेशन पे जितना इस साइड में होगा, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया, हम यहाँ पे डॉट निकालेंगे, तो और इसमें ये भी फाइंड करना है कि अगर दोनों के डायरेक्शन सेम होगी तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है ना। इस केस में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर इधर है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डेल्टा एस हमने बना के रखा है ds, ठीक है, एलिमेंटल एरिया ds है, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा किधर, इस एरिया से भी निकलेगा, इस एरिया से भी निकलेगा, प्लस इसके कर्व सरफेस एरिया से भी निकलेगा, क्या ये सही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर और इधर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जबकि एक कर्व सरफेस एरिया भी होता है, एक कर्व सरफेस एरिया भी होता है। तो ये है कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो वैल्यू हमने लिखा है, ये जो वैल्यू है ऊपर, ये है कर्व सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए ये वैल्यू दो हमने लिखा, तो क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस प्लस जीरो, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा जीरो, तो ये लिखेंगे टू ई, टू ई डेल्टा एस, ये हमने इस तरह से लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने सम किया। तो ये जीरो कहाँ से आया भाई, तो जीरो कर्व सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया की वजह से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है दोनों के उसके परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से ये वैल्यू जो है वो जीरो आ रहा है, ये क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो जीरो आने की वजह से वो वैल्यू फ्लक्स क्या होगा जीरो आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्व सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके वजह से फ्लक्स जीरो आ रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टू ई डेल्टा एस, टू ई डेल्टा एस चार्ज टोटल, और ये टू ई डेल्टा एस क्या है टोटल चार्ज इनसाइड है ना, तो फ्लक्स इज इक्वल टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन, तो चार्ज इनसाइड हमको फाइंड करना है सबसे पहले। तो हमने यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बताया और आपको ये नहीं बताया कि इसके अंदर चार्ज कितना समाया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना सरफेस, कितना चार्ज को समा के रखा हुआ, कितना चार्ज को कंटेन करके रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया एस है तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये हम लोग निकाल देंगे, तो ये आया सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन, हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एस कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, के की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आसपास के रीजन में, ये तब तक सही है, ये रिजल्ट तब तक सही है जब तक ये प्लेन शीट लार्ज हो और सेपरेशन जो आर की दूरी है वो कम हो, तब तक ये वैलिड, अन्यथा ये वैलिड नहीं होगा, ओके। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, तो इसी चीज से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, तो इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे, सिग्मा कितना है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है। तो सिग्मा मान लो, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सिग्मा है 10 इंटू 10 है ना, 10 वैल्यू देता हूं न्यूटन, सॉरी सिग्मा जो है कितना है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना। अब आपको इतना दिया हुआ है और ये किसका दिया हुआ है, थीन प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट कितना होगा, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इस चीज को आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो फ्री स्पेस है तो ही सिग्मा एप्सिलॉन आएगा, और फ्री स्पेस नहीं है, दूसरा कुछ मीडियम डाला हुआ है, तो के टाइम एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा और ये लिखेंगे, अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ देखो 2 × 2 = 4 एप्सिलॉन, और यहाँ पे अगर हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 4 पाई, यहाँ भी नीचे लिखना होगा पाई है ना, तो ये लिखेंगे पाई इतना, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितना आता है, तो हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹ आता है, और इसके बाद 2 × पाई लिख देंगे, मतलब 6 लिख देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, इतना हमारा वैल्यू है। और सिग्मा का वैल्यू कितना था वो लिखेंगे 10, तो इस तरह से एक आंसर कितना आ रहा है, तो 2 × 3 = 6 अप्रोक्सीमेटली लेंगे, 6 × 9 कितना होगा 54, तो 5.4 है ना, एक जीरो बढ़ा देंगे ये हो गया 10, और 10 × 1 = 11 है ना, 10⁻⁺ न्यूटन पर कूलम्ब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ड्यू टू थीन प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट है ना। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी आसान है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो सिग्मा भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि क्वेश्चन में एक और दे रहा हूँ, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय पॉइंट्स दिया हुआ है 18 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम्ब दिया हुआ है, ठीक है, तो सिग्मा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये आप खुद कैलकुलेट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है, ओके।